बंगाल में कोरोना का संदिग्ध मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर की एहतियात बरत रहे हैं। इसके तहत मेडिकल कॉलेज में स्पेशल मास्क और दस्ताने भी मंगवाए गए हैं। बता दें कि अभी तक जिले में कोरोना का एक भी कंफर्म मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। शनिवार को करनाल में रहने वाला युवक को बुखार होने के कारण मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लाया गया था। वहां पहुंचने के बाद विभाग के डॉक्टरों ने जब युवक की जानकारी ली तो बताया कि वह 13 जनवरी को चीन से आया है। हालांकि वह जहां पर कोरोना वायरस फैला है उससे करीब 1000 किलोमीटर दूर एक शहर में गया था। इस पर विभाग ने लक्षणों को देखते हुए आनन फानन में मरीज को इमरजेंसी वार्ड के साथ बनाए गए आइसोलेटेड वार्ड में दाखिल किया है। मेडिसिन विभाग, पैथोलॉजी समेत अन्य विशेषज्ञों की उपस्थिति में युवक को ब्लड सैंपल लिए गए। एक सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया, जबकि अपने स्तर पर कॉलेज भी जांच कर रहा है। फिलहाल मरीज को बुखार और जुकाम दोनों हैं, इसलिए उसको मास्क दिया गया है ताकि वायरस और ना फैले। साथ ही उसकी निगरानी के लिए स्टाफ नर्स समेत डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। जो पेशेंट आया है कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड, उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या इलाज किया जा रहा है? ये 25 से 26 वर्षीय एक लड़का हमारे पास कल दाखिल हुआ है, जिसको फ्लू के लक्षण थे, साथ में तेज बुखार था। ये यहीं करनाल का रहने वाला है। 13 जनवरी को ये चाइना से वापस लौटा था। तो जो लक्षण हैं वो विभाग ने, डॉक्टर मनदीप सिंह के विभाग, मेडिसिन विभाग ने जब इनकी जांच की तो लक्षण कोरोना वायरस के लक्षण से मिलते जुलते पाए गए। और क्योंकि मरीज चाइना से लौटा है तो तुरंत जो जिला स्वास्थ्य प्रशासन है उसको सूचना दी गई। उसमें डॉक्टर मंजू ने आकर, डॉक्टर मंजू पाठक की टीम ने आकर इनके सैंपल इकट्ठे किए और जो फ्लू और बुखार का जो दूसरे कारण होते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करा के इसका मरीज का उचित उपचार चल रहा है। मरीज को अभी आइसोलेशन में रखा गया है। सैंपल इसका पूना गया है, पूना लैब में सैंपल गया है, वहाँ से रिपोर्ट आएगी तभी पता चल सकेगा कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी इसमें गले में खराश, तेज बुखार और फ्लू यानी कि बहती हुई नाक। ये एक बिजनेस मैन है, चाइना में किसी बिजनेस के सिलसिले से गया था तो 13 जनवरी को वापस लौटा है। अब इसने हमें बताया कि जिस जगह, जिस शहर में गया था वो वुहान से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, तो संभावना है शायद ये नेगेटिव निकले, लेकिन जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। आम लोगों से यही अपील है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपना साफ सफाई पर ध्यान रखें। अगर आप बाहर से जाएं तो सबसे पहले घर आकर अपने हाथ धोएं और हाथ को मुंह, नाक और अपनी आंखों से ना लगाएं, ठीक है? अगर किसी मरीज को जुखाम है तो वो अपने पेट पे कपड़ा रखे या मास्क लगा ले। और करनाल में आइसोलेशन वार्ड जिला नागरिक अस्पताल में मौजूद है। हमारे अस्पताल जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, यहाँ आइसोलेशन रूम्स हैं और इसके अलावा कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन ने ये सेवा मुहैया कराई है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी सुविधाएं करनाल में उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर कुंजन चौधरी, जनसंपर्क अधिकारी।